राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र खूसखेड़ा में हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र खूसहेड़ा से आने वाले केमिकल युक्त दूषित पानी के कारण यहाँ के लोगों का जनजीवन नर्क की तरह बन चुका है, जिसकी गवाह हैं यहाँ सेक्टर 6 में दूषित पानी से लबालब भरी ये गलियाँ और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की ये सड़क जो दिल्ली को मुंबई तक जोड़ता है। वहाँ बड़े बड़े गड्ढों के कारण 5-5 घंटों का लंबा जाम रहता है, लेकिन राजस्थान को हरियाणा के लोगों की ये पीड़ा दिखाई ही नहीं देती। रेवाड़ी से भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने यहाँ के दूषित पानी से जलमग्न हुई कॉलोनियों में लोगों के साथ उतरकर उनकी पीड़ा जानने का प्रयास किया। इस सड़क की मरम्मति के लिए 176 करोड़ का टेंडर भी सरकार की तरफ से मंजूर हुआ था। एक वर्ष सबका समय बीत जाने के बावजूद न तो राजस्थान सरकार और न ही हरियाणा सरकार के कानों में जूं रेंगती नजर आ रही। इस दूषित पानी के कारण जिन जिलों के घर सीलन के चलते खराब हो गए हैं, उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा देकर इस समस्या का समाधान करने की मांग पूर्व विधायक ने की है। ये सेक्टर सरकार ने बहुत सोच समझ के बनाया था, लेकिन अब जो नरकीय स्थिति है इसमें ये हालत हो गई। भिवाड़ी का गंदा पानी, सीवरेज का पानी, केमिकल युक्त पानी आ रहा है। राजस्थान हमारा बड़ा भाई है और उसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल दया नहीं आ रही ऐसा। और कोई सरकार, केंद्र सरकार या NGT उनको बाध्य नहीं कर पा रही कि केमिकल युक्त पानी भेजना घोर पाप है, दंडनीय अपराध है, और हरियाणा सरकार उसको झेल रही है और अधिकारी लोगों के कानों पर जू नहीं चलती। उनको समाधान बताया जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि हमें बहुत काम है। उनको अगर कोई काम है, भ्रष्टाचार का काम हो तो दौड़ के चले आते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है, निर्माण में भ्रष्टाचार है, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन जन कल्याण के लिए लोग डूब रहे हैं, उनके मकान गड़ गए, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं उनकी। और आज ये देखिए कितनी बार ये बात